सो गाइस कि आपका इंस्टाग्राम कुछ इस तरह से प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर का इंस्टाग्राम यहाँ पर लॉगिन नहीं हो पा रहा है। तो गाइस इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इस समय ये प्रॉब्लम चल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर लिख कर आता है सॉरी देर वाज ए प्रॉब्लम विद ए रिक्वेस्ट योर रिक्वेस्ट। तो दोस्तों इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है, तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस जब भी आप इंस्टाग्राम के ऊपर क्लिक करते हैं और लॉगिन करते हैं तो सेम यही प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए दोस्तों यहां पर सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर पर जाना है, ठीक है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। सर्च बारे में जाना है, टाइप करना है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम को सर्च कर लेने के बाद दोस्तों अगर आपका इंस्टाग्राम अपडेट मांग रहा है तो आपको उसे अपडेट कर देना है। तो दोस्तों अपडेट कर देना है। अपडेट कर देने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है और ए पिन के ऊपर आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे आप ए पिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका आपको फोर्स स्टॉप कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर परमिशंस का ऑप्शन मिलेगा, परमिशन वाले ऑप्शन बन जाना है और उसके बाद दोस्तों लोकेशन पर क्लिक करना है, इसका अलाउ कर देना है लोकेशन, ठीक है। यहाँ से बैक आना है और बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर इसका क्लियर कैच कर देना है। दोस्तों जैसे क्लियर कैच कर देंगे तो यहाँ पर भी इसका एम बी कम होगा इस यहाँ पर, यानी कि इसका स्टोरेज है कम हो जाएगा। अगर दोस्तों देख लेना है लॉगिन करके, अगर नहीं लॉगिन हो रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लियर स्टोरेज का एक ऑप्शन मिलेगा तो सिंपली आपको क्लियर स्टोरेज कर देना है। कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लॉगिन करना है, फिर से नहीं लॉगिन हो रहा है तो आपको यहाँ से अनइंस्टॉल का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको कर देना है। कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र पर आना है। दोस्तों जैसे यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र पर आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक सर्च बार में आपको लिखना है, क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूँ, इंस्टाग्राम ए पी के मोड, ये आपको सर्च करना है। उसके बाद उसको फर्स्ट वेबसाइट मिलेगी, सिंपली इसी पर आपको क्लिक कर देना है। कर देने के बाद उसको स्क्रॉल करना है, डाउनलोड एपीके, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे वर्जन देखने को मिल जाएंगे, लेटेस्ट वर्जन, ओल्डर वर्जन। उसके बाद उसको यहाँ पर ओल्डर वर्जन वाले पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो दोस्तों इस ऐप को यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों जैसे डाउनलोड कर लेते हैं तो दोस्तों आपको लॉगिन करना है। सिंपली गाइज ये प्रॉब्लम आपकी फिक्स हो जाएगी। कई कई मोबाइल में जो है लेटेस्ट वर्जन काम नहीं करता है तो वहाँ पर ओल्ड वर्जन काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पर अपने ओल्ड वर्जन से यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम को लॉगिन कर सकते हैं आसानी तरीके से, कोई भी आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अगर दोस्तों आपको प्रॉब्लम फिर भी देखने को मिल रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप मुझे बता सकते हैं। गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए।